हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूब मंत्रा। मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। सो गाइस, हाजिर हूँ एक और क्यों एपिसोड लेकर। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आपको जो कुछ भी हमसे पूछना हो, जानना हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं, उन कमेंट में से मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। चूँकि सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं वीडियो में नहीं दे सकता, वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। और आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो फर्स्ट कमेंट पिक किए हैं, इसे आदित्य राज लिखते हैं और लिखते हैं, वीडियो का इंप्रेशन कैसे बढ़ाएं। तो भाई, वीडियो का इंप्रेशन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको कंटिन्यू यूट्यूब पर काम करना पड़ेगा और सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। और मैंने इसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है कि आप अपने वीडियो का इंप्रेशन कैसे बढ़ाएंगे। आपको आई बटन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉमेंट द लोल आर्ट करते हैं और पूछते हैं, सर आपकी फर्स्ट वीडियो में कितने व्यूज आ गए थे। तो भाई, जब मैंने अपना इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो खुद से देखकर कुल मिला के 15-20 व्यूज ही आए थे, और सबका इतना ही व्यूज आता है। तो फर्स्ट वीडियो के बाद मैंने ट्रिक लगाया, अपना दिमाग लगाया और सर्चेबल टॉपिक्स पर वीडियो लाया। उसके बाद मेरे वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आने लगे, यानी कि 50-60-100 व्यूज तक आने लगे। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आप यूट्यूब पर नए हैं तो आप अपने वीडियो पर शुरुआती व्यूज कैसे ला सकते हैं। तो जब मेरे चैनल पर 50-60 सब्सक्राइबर थे, तब भी मेरे वीडियो पर 100+ व्यूज आ जा रहे थे। तो मैंने कुछ खास ट्रिक लगाया हुआ है, अगर आपको सीखना है कि शुरुआती व्यूज कैसे लाएंगे तो यहाँ पर इस वीडियो का लिंक दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट कमेंट पिक किए हैं, इसे न्यू बॉलीवुड HD मूवी लिखे हैं और पूछ रहे हैं कि सर मैंने किसी वेबसाइट से मूवी डाउनलोड करके यूट्यूब पर कैसे अपलोड करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। तो भाई, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी साइट से किसी मूवी को अपलोड करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के भी खिलाफ है। तो इस तरह का काम करेंगे तो आपका चैनल कभी भी बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना है, यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। सो गाइस, नेक्स्ट कमेंट पिक किए हैं, राहुल कुमार लिखते हैं, भाई वीडियो पे व्यूज कैसे बढ़ाएं बता दो। तो देखिए भाई, वीडियो पर व्यूज बढ़ाना है ना, तो आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा। अगर आप YouTube पर नए हैं तो आपको सब चीज़ सीखना पड़ेगा कि हम वीडियो कैसे क्रिएट करें, वीडियो का थंबनेल कैसे लगाएं, SEO कैसे करें, सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। वो तो आपके पास है नहीं, आप तो YouTube पर आए हैं और वीडियो अपलोड करना है और उसके बाद व्यूज देखना है कि व्यूज आए कि नहीं आए। तो सबसे पहले तो आपको टाइम देना होगा, आप YouTube पर सबसे पहले सीख लीजिए, बेसिक YouTube ट्यूटोरियल ले लीजिए, चाहे मेरा वीडियो देख लीजिए या किसी भी यूट्यूबर का देख लीजिए, एक बेसिक यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लीजिए, उसके बाद आप यूट्यूब पर काम करना शुरू करिए। और अगर बेसिक ट्यूटोरियल देख भी लेते हैं तो आपको यूट्यूब पर सीखते सीखते कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, उसके बाद देखिएगा आपके व्यूज आने लगेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि यूट्यूब का SEO क्या है, यूट्यूब कैसे काम करता है, सही तरीके से आपको यूट्यूब पर सीखना पड़ेगा। तो आपको यूट्यूब का बेसिक ट्यूटोरियल मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगला कमेंट लेते हैं, HP Gaming 92 लिखते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है YouTube से। आपने तो कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखिए, ये चीज़ तो शेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2 मोनेटाइज चैनल हैं। एक तो ये है जो अभी 6 महीने से इस पर काम कर रहा हूँ और मोनेटाइज हुए 1 महीना हुआ है, और एक है टॉक एंड टिप्स, जिस पर मैं 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ, उसको मोनेटाइज हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। तो उसको अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ अर्निंग नहीं हो जाती है। मान के चलिए ऐसे 2-2 फ़ोन 1 महीने में खरीद सकते हैं और फ़ोन का बजट 10-15 हज़ार आप मान लीजिए, YouTube से इतनी इनकम हो जाएगी कि इस तरह का 2 फ़ोन हम खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगला कमेंट लेते हैं, इसे टेक्निकल अमल लिखते हैं और ये पूछते हैं, भाई मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है फिर भी स्पॉन्सरशिप ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है तो ले लीजिए, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का जो पैसा आता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जिस भी पार्टी से आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं उससे अपना पेटीएम नंबर या अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए और फिर वहाँ से पैसा आप ले लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल मोनेटाइजेशन का कोई इसमें इशू नहीं है। अगला कमेंट करते हैं उर्दू क्वीन और ये पूछते हैं, कितनी व्यू पर $1 बनता है। तो मैंने रिसेंट ही एक वीडियो क्रिएट किया है, यहाँ पर आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा कितने व्यू पर कितना डॉलर बनता है, कितनी अर्निंग होती है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। सो गाइस, जो अगला कमेंट लिए हैं, इसे प्ले एंड लर्न विद अस ये लिखते हैं, कितनी व्यूज़ पर वीडियो वायरल होती है।
तो भाई ये तो कोई नहीं बता सकता कितने व्यूज पर वीडियो वायरल होगा। वीडियो वायरल करने के लिए आपको सही तरीके से यूट्यूब पर काम करना होगा, थंबनेल सही होना चाहिए और आपका वीडियो का SEO भी सही होना चाहिए और वीडियो का टाइटल सर्चेबल होना चाहिए। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, आपके व्यूअर अगर आपके वीडियो को सही तरीके से देखेंगे तब जाके वीडियो वायरल होगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कितने व्यूज पर वीडियो वायरल होता है, वीडियो तो कभी भी वायरल हो जाएगा, नहीं तो फिर वैसे ही एवरेज व्यू आता रहेगा। सो गाइस जो अगला कमेंट लिए हैं ये ओहो टेक लिखते हैं और ये पूछते हैं कि भाई आपने अपने वीडियो पर व्यूज कैसे लाई। तो भाई मैं अपने वीडियो पर व्यूज वीडियो अपलोड करके लाई है, अभी तक मैं अपने चैनल पर 70+ वीडियो अपलोड कर दिए, वो भी 5 से 6 महीने में। तो मेहनत किया है उसके बाद व्यूज आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियो व्यूज आ ही जाते हैं, किसी किसी वीडियो पर एवरेज व्यूज आते हैं और उन्हीं में से कोई कोई वीडियो वायरल भी हो जाता है, जिसके बदौलत आज मैं अभी ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो व्यूज आने के लिए आपको सीखना पड़ता है कि हम कैसा वीडियो क्रिएट करेंगे, कैसा थंबनेल बनाएंगे, सब कुछ आपको सीखना पड़ता है। उसके लिए आपको YouTube का बेसिक ट्यूटोरियल लेना पड़ता है। तो सब चीज़ पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद देखिए आपके वीडियो पर जरूर व्यूज आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही कुछ मैंने इस कमेंट सेलेक्ट किए थे, जिनका भी कमेंट हम नहीं सेलेक्ट किए हैं उनके लिए सॉरी, हो सकता है अगले कमेंट पोस्ट में आपका कमेंट हम सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आपके चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।